नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अमित अग्रवाल चौधरी जी। जी हाँ, उन्होंने LLB की पढ़ाई की है, मैक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आज समाज सेवा के क्षेत्र में अगर देखें और राजनीति के क्षेत्र में तो वे अपना बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। एक युवा हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनको प्रेरणा मिली और समाज सेवा का, अमित जी कैसे आपने मतलब ये बीड़ा उठाया और कैसे लगातार समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, समाज सेवा के लिए मैं जनरली पापा के साथ जब बचपन में जाया करता था, देखता था समाज में लगातार। हम अभी आज के युग पे देख रहे हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग तो आ रहे हैं लेकिन जो एक युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और बाद में जब हम बच्चों का संबंध करने जाते हैं, जैसे अपने समाज की बात की, अगर अपन पर्सनली बात करें तो देखते हैं जब समाज में बच्चों का संबंध करने हम जाते हैं तो बहुत तकलीफ सी होती है। फिर वो कहीं ना कहीं परिवार टूटने की बातें, ये सब होता है। तो कहा नहीं यार, हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हम युवा आएंगे तो ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड सर्कल आएंगे, और एक जब युवा आते हैं बुजुर्गों से मिलते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो इसलिए मतलब समाज में आगे जाना चाहिए। और हमेशा हम ब्लेम करते रहते हैं, इसने ऐसा, उसने वैसा, तो ऐसा नहीं, कुछ पॉजिटिव करिए। हो सकता है कभी कुछ बातें गलत लगे तो ठीक है, गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ते चला जाए। अग्रवाल समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपने। अग्रवाल समाज की प्रथम इकाई के आप अध्यक्ष रहे, उसके बाद जिला में भी अध्यक्ष रहे, संभाग में भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं तो ये मानता हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे समाज, मेरा परिवार, मेरा देश की वजह से हूँ, मेरे अपने लोगों की वजह से हूँ। मुझे बहुत लोगों ने सिखाया, मैं समाज में ऐसे आधार स्तंभ, नाम तो सबके नहीं ले सकता लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। उनको देखा, समझा कि उन्होंने एक जुनून था। भाई ये तो सोशल मीडिया तो आज के टाइम पे एक्टिव हुआ है। मैं आज से अगर 7-8 साल के पहले की बात करूं, मैंने नियर बाय 2011 पे समाज ज्वाइन किया। दैट टाइम आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर में था तो देखता था। एक देखिए, फर्स्टली तो आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए कि हाँ अपने को कुछ करना है। तो जुनून था कि वहां कैसे पहुंचना है, क्या करना है, तो चीजों को देखते समझते आगे बढ़ता चला गया। बहुत मार्गदर्शन मिला समाज के वरिष्ठ लोगों का, परिवार के, और माता पिता को तो सदैव जीवन में मार्गदर्शन मिलता ही चला जाता है, मिलता ही रहता है। तो ये सब बातें रही। कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा याद आता है आपको कि जब आप उस युवा इकाई से जुड़े तो काफी सारी चीजें बदली होंगी, काफी सारी दिक्कतें आई होंगी, कभी कुछ अच्छा भी महसूस किया होगा, तो कोई ऐसी बात? देखिए, दिक्कतें तो याद नहीं है, और जो पास्ट रहता है वो पास्ट पास्ट ही हो जाता है। एक्सपीरियंस बहुत कुछ मिला, चाहे वो पर्सनैलिटी को लेकर हो, सामाजिक दृष्टिकोण से एक परिचय की बात हो, समाज के लोग जाने। और रही बात एक अपन जो जीवन में देखते हैं, एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो होती है जिस दिन एक पिता को उसके बेटे के नाम से लोग जान सके। मैं इतना योग्य तो नहीं हुआ ना मुझे बात बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे ये चीजें महसूस हुई मेरे बड़े भैया और मेरे लिए। जब पापा को लोगों ने बोले अच्छा आप उनके पापा हैं, या पापा हमने कभी कहा वो मेरे पापा, तो एक वो जो कोऑर्डिनेशन रहा वो एक बहुत गर्वपूर्ण माहौल रहा। फिर अमित जी, जैसे समाज सेवा करते करते फिर राजनीति, ये कैसे मतलब राजनीति में आप आए? फिर राजनीति में भी आपने लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए, जनरली हम देखते हैं सामाजिक व्यक्ति समाज, लेकिन यदि हमें कुछ बदलना है तो उसके लिए हमें जमीनी स्तर पे उतरना पड़ता है। समाज एक अलग हो जाता है, राजनीति एक अलग हो जाती है, लेकिन जो सामाजिक दृष्टिकोण से राजनीति में आता है सामाजिक बदलाव के लिए, अच्छे बदलाव के लिए, तो एक जुनून था, नहीं अब राजनीति में कदम रखना चाहिए। और मेरे दोस्त यारों की भी राय रही, अपने लोगों की, नहीं अब आपको राजनीति में आगे आना चाहिए। तो फिर मैंने, जैसा मैंने आपको कहा ही, मैक कॉलेज में जब मैं छात्र राजनीति चालू किया, IBVP से जुड़ा, क्लास का CR बना, छात्र संघ में रहा, उसके बाद फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल स्तर से मैंने अपनी ऊंचाइयों को किया। आज मैं जिला स्तर पे हूँ, मंडल का प्रभारी हूँ, और पार्टी आगे जो भी दायित्व दे, चाहे पार्टी मुझे बूथ अध्यक्ष बनाए, एक मैं पार्टी का आम कार्यकर्ता हमेशा से रहा था और रहूंगा। ये कैसे मतलब आपके कोई लीडर होंगे जिनको आप फॉलो करते होंगे या फिर किसी राजनेता को? देखिए, लीडर तो फॉलो सभी हमारे लिए एक बराबर हैं, लेकिन क्योंकि समय भी कम है, आपने कहा एक लीडर, तो लीडर में निश्चित तौर पे जो महापुरुष हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको मैंने अपने आंखों से देखा है, सिद्धेलाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी का तो आप जान ही रहे हैं, अमित शाह जी हैं। रही बात छत्तीसगढ़ की करें तो हमारे 15 साल तक यशस्वी मुख्यमंत्री रहे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मेरे गुरु पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, रायपुर के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, और तमाम सामाजिक स्तर पे भी मेरे जो मुझे प्रेरणा जिन्होंने दी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आज जो कुछ भी हूँ सबको देख समझ के
चीजों को आगे बढ़ते हुए मैंने निर्णय लिया है। अब आगे की क्या तैयारी है, जैसे अभी नगरीय निकाय चुनाव भी चल रहा है, तो आगे आपका कारवा आप कहाँ जाएगा? देखिए, कारवा तो मंजिले ऊपर वाला लिखता है, जहाँ जो ले जाएगा। हमारा क्या है, हम तो नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं, हमारा क्या, हम तो झूला उठाए और चल दिए। चलिए, तो ये थे अमित चौधरी, जिन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम भी आपको बधाई देते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।